हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है साहित्य ज्योति में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित वापसी कविता के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इस कविता की व्याख्या को पढ़ लिया है, तो यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो अवश्य देखें, ताकि आप इसके प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझ पाएं और कर पाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, वैसे ही है। देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न, कवि लौटकर किस वृक्ष पर बसेरा बनाना चाहता है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपने कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कवि जो है वो परंपराओं की बात कर रहा है। कि जब वो परंपराओं के रूप में लौटेगा या परंपराएं लौटेंगी तो वह किस वृक्ष पर बसेरा बनाएंगी। तो आप इसके विकल्प देख सकते हैं। पहला विकल्प है आम। किस वृक्ष यानी किस पेड़ की बात कहेगी। वृक्ष शब्द का अर्थ तो आपको पता ही होगा। वृक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? पेड़। क्या? और दूसरा विकल्प है बरगद, तीसरा है नीम और चौथा है नंबर पीपल। तो कविता में कवि ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि वह नीम के पेड़ पर अपना बसेरा बनाना चाहता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है नीम, ग नंबर। ठीक, दूसरे प्रश्न को देखिए। पलाश के फूलों का रंग कैसा होता है। ठीक है, पलाश के फूलों का रंग कैसा होता है, यहाँ पर होगा रंग होता है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर, और इसमें चार रंग बताए गए हैं, पीला, हरा, नीला, लाल। आपको पता होगा पलाश एक पेड़ है जिसके फूल जो होते हैं वो बहुत ही चटकदार और सुंदर होते हैं, तो उसका रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। पलाश के पेड़ पर जो फूल लगते हैं उनका जो रंग होता है वो लाल होता है और बहुत ही चटकदार, बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, तो इसका आपका घ सही उत्तर। तीसरे प्रश्न को देखिए। हम किसे लक्ष्य यानी यहाँ पर चिन्हित करना, पहचानना, हम किसे पहचान नहीं कर पाएंगे यानी कि हम किसे पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ पर उसके चार विकल्प हैं, पहला कवि को, दूसरा घ नंबर नई छाल को, घ नंबर फूलों को और घ नंबर हरियाली को। तो आपको पता ही है कविता में कहा गया है कि जो है वो जब हरियाली परंपरा जो है वो हरियाली के रूप में लौट कर आएंगी तो हम उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है घ, हरियाली को। इसके बाद आगे का प्रश्न, हरियाली से हमें क्या मिलता है। विकल्प देखिए, दुख और पीड़ा, क्रोध और घृणा, राहत और सुख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो पहले ही कट गया। आपको पता ही है जब हरा भरा बाग बगीचा हो जाता है तो उसे देखकर आपका मन बहुत ही प्रसन्नित हो जाता है, इसलिए दुख और पीड़ा ऑप्शन भी गलत है, क्रोध और घृणा ऑप्शन भी गलत है। इसका सही उत्तर है ह, राहत और सुख। अब आइए आगे लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए पहला प्रश्न, कवि कहाँ घोंसला बनाना चाहता है। उत्तर देखिए, कवि बरामदे के पंखे के ऊपर घोंसला बनाना चाहता है। दूसरा प्रश्न, टू नंबर, कि कवि को क्यों लगता है कि हम उसे पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि कवि रूप बदल कर आएगा। यहाँ पर कवि से आप परंपरा भी समझ सकते हैं, कवि जो है वो कह रहा है कि जो है वो रूप बदल कर आएगा, इसी कारण उसे लगता है कि हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। जाहिर सी जानते ही, अगर आप कोई रूप बदल कर आ जाए तो आपको पहचानने में सुविधा होगी। यहाँ पर जो कवि है वो अपना रूप बदल कर आएगा, परंपराएं जो हैं वो रूप बदल कर आएंगी, इससे हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। आप कहेंगे यहाँ पर कवि कहाँ कह रहा है, वास्तव में जो परंपराएं हैं वो ही अपने बारे में बता रही है ना, इसीलिए उसी को कवि कहा गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, बारिश के बाद क्या छा जाती है। उत्तर, बारिश के बाद हरियाली छा जाती है, ये तो बहुत ही सरल है। इसके बाद चौथा प्रश्न, कवि की पहचान को कौन बदल देगा।
उत्तर कवि की पहचान को समय बदल देगा, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि कवि की पहचान को समय बदल देगा। बोधमूलक प्रश्न देखिए, पहला वाला, तुम बिना रूप बदले भी बदल जाओगे, ये कविता की पंक्ति है, कविता की पंक्ति उठा कर दी गई है कि तुम बिना रूप बदले भी बदल जाओगे, क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, यानी कि इस पंक्ति की व्याख्या करनी है। देखिए, कवि के अनुसार जो परंपराएं और जीवन मूल्य हैं हमेशा हमारे आसपास हमारे साथ ही रहती हैं, परंतु रूप बदलकर, लेकिन मनुष्य बदल जाएगा। ठीक है, मनुष्य जो है हो सकता है उसका रूप एक जैसा रहे परंतु उसके दृष्टिकोण, उसका नजरिया आदि बदल जाए, परंतु जो परंपराएं हैं उसके रूप रंग में भले ही कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ पे मनुष्य के बारे में बताया गया है कि मनुष्य जो है वो बदल जाएगा, हो सकता है कि उसके रूप रंग में भले ही कोई परिवर्तन ना हो लेकिन उसके हाव भाव विचार जो हैं वो, जो मान्यताएं हैं वो बदल जाए, समय के साथ बदल जाएंगी। तो ये जो पंक्ति है, पहले ये समझने का प्रयास करें कि ये जो पंक्ति है ये किसे कहा गया है। इस पंक्ति में कहा गया है कि तुम बिना रूप बदले भी बदल जाओगे, ये कहा गया है मनुष्य के बारे में। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो परंपराएं हैं, जीवन मूल्य हैं, वो हमारे जीवन में हमेशा हमारे आसपास रहती हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है वो बदल जाता है, उसके रूप रंग में भले ही कोई परिवर्तन ना हो, देखने में वो एक जैसा ही हो परंतु उसके जो विचार होते हैं, उसके जो हाव भाव होते हैं, यहाँ तक कि उसका जो दृष्टिकोण होता है, मान्यता होता है, वो बदल जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, हमें अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों, अपनी प्रकृति, यहाँ पर तीन चीज कही गई, ध्यान दीजिएगा, परंपरा, पूर्वजों, प्रकृति के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। क्यों क्यों हमें उनके प्रति सहिष्णु, यानी उन्हें उनका उनको भी उचित स्थान देना चाहिए, क्यों? तो देखिए उत्तर क्या है कि हमारी परंपराएं जो हैं, हमारे पूर्वजों के जो जीवन मूल्य हैं और जो प्रकृति है, उन्होंने हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को निखारने में, संवारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसे एक नया रूप देती है। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर होता है, प्राण जो होता है, वो हमारे होते हैं, लेकिन उसमें जो मौजूद परंपराएं होती हैं, यानी हमारे शरीर में जो मौजूद परंपराएं हैं, मूल्य हैं या प्रकृति है, ये सब एक तरीके से इन्हीं परंपराओं का रूप होती है। हमारे व्यक्तित्व पे उसका और हमारे अस्तित्व पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, गहरा छाप होता है, इसलिए हमें इसे अपनाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। आइए अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे के प्रश्न में जो है वो भाषा बोध का हिस्सा है। ठीक है, आगे हम लोग जो करेंगे वो आपका भाषा बोध। ठीक है, भाषा बोध के अंदर यदि हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप बुक अवश्य खोलें, पुस्तक रखें तो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि मैं किस प्रश्न की बात कर रही हूँ। लिखा गया है कि, लिख देती हूँ मैं, आपको आसानी होगी। निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्यांशों, वाक्यांश आए कारक विभक्तियों का नाम लिखिए। ठीक है, ये आप पुस्तक खोल लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं बता देती हूँ पेज नंबर, अगर आप साहित्य मेला किताब से पढ़ रहे हैं तो पेज नंबर 32 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि पहला वाक्य क्या दिया गया है, पहला वाक्य दिया गया है पक्षी की तरह, पक्षी की, इसमें जो आपका कारक है वो है की, और कौन सा कारक है इसमें आपका, संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक,
दूसरे वाक्य की अगर हम बात करें, पलाश के पेड़ पर, पलाश के पेड़ पर नई छाल की तरह। तो अगर हम इसमें कारक की बात करें तो सबसे पहला कारक तो आपका के है, और दूसरा कारक जो है वो पेड़ पर, और तीसरा की। तो इस एक वाक्य में ही तीन कारक है, कारक की तीन विभक्तियां हैं, पहला है के, दूसरा है पर और तीसरा है की। तो यहाँ पर के जो है वो है आपका संबंध कारक, पर जो है वो है आपका अधिकरण कारक, करण कारक, और की जो है वो पुनः संबंध कारक है। ठीक है, अगर हम तीसरे पंक्ति की बात करें, तीसरे पंक्ति की बात करें तो हमारी पहचान, हमारी पहचान हमेशा के लिए, हमेशा के लिए गडमट कर जाएगा, गडमट कर जाएगा। तो इसमें जो है वो कौन सी कारक विभक्ति है, के लिए कौन सा कारक है यहाँ पर, संप्रदान कारक, प्रदान कारक। ठीक है, तो ये पहला वाला प्रश्न जो है भाषा बोध का हो गया। अब उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न की यह है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि वाक्यों का प्रयोग करके लिंग निर्णय करना। ठीक है, वाक्यों का प्रयोग कर लिंग निर्णय करें, यानी बताए कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है। ठीक है, निर्णय करें। देखिए, पहला शब्द जो है वो है पक्षी, पक्षी। ठीक है, पक्षी में सोच सकते हैं कि स्त्रीलिंग होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर पक्षी जो है वो पुरलिंग है। तो पहले हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, पक्षी पेड़ पर, एक मिनट, घोंसला बनाती है। ये कौन सा लिंग हुआ आपका, ये आपका पुरलिंग है। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द है हमारा बगिया, बगिया। मेरे बगिया में फूल खिले हैं, तो यहाँ पर बगिया जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि वाक्य प्रयोग करके लिंग निर्णय करें, तो आपको वाक्य प्रयोग तो बताना ही है, उसके बाद बताना है कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है। अब तीसरा शब्द क्या है, घोंसला। तो पक्षी ने पेड़ पर घोंसला बनाया,
बनाया, क्या होगा, ये भी आपका पुरलिंग है। ये बात का शब्द क्या है, हरियाली, हरियाली, हरियाली का क्या होगा, आप किताब वाला ही लिख सकते हैं, आसान भी रहेगा, अपने मन से भी लिख सकते हैं, बारिश के बाद हरियाली छा जाती है। कौन सा, स्त्रीलिंग, कौन सा लिंग है। इसके बाद आखिरी का जो शब्द है वो क्या है, रूप, रूप का लिख सकते हैं, तुम्हारा रूप बदल, तुम्हारा रूप बदल गया है। कौन सा लिंग है यहाँ पर, पुरलिंग, ठीक है, यहाँ मिल गया। तो ये आपका जो भाषा बोध है वो भी समाप्त हो गया। इस वीडियो में हमने प्रश्न उत्तर को पढ़ा है। इसके पहले वाली वीडियो में इसी चैनल पे आपको इस पाठ की कविता और उसकी व्याख्या भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप इसे कर ले जिससे आपको आपकी पढ़ाई में आगे बढ़ने में अवश्य मदद मिले। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।